तो गाइस अभी यहाँ से चलने का टाइम हो गया, तो शिमला को बाय बाय बोल के चलते हैं आगे की तरफ, यानी अभी हमें जाना है रामपुर और आज रात वहीं रुकेंगे, वहीं आगे जो भी इंजॉय होगा सब रास्ते में और वहीं पे होगा, शेयर करेंगे आपके साथ में सारी और सारी चीज आपके साथ में शेयर करेंगे। तो चलो अभी ये जो छोटा सा सफर है अपना वो तय करते हैं। बोलो शंकर भगवान की जय। डाली टनल, तो ये मुझे लगता है पुरानी टनल है, इसके बराबर में एक नई टनल भी बन रही है। शिमला में मॉल रोड घुमाने के बाद में फिर हम लोगों ने एक बार फिर बच्चों को थोड़ा सा रिफ्रेशमेंट दिया और अभी फिर से चल दी है आगे का सफ़र तय करने के लिए, क्योंकि आज भी हमें पूरा दिन लगने वाला है सफ़र को तय करने के लिए। ऊंची ऊंची पहाड़ियां देखकर बच्चे बड़े खुश हो रहे थे, बोल रहे थे कि हम बातों के बीच में आ गए हैं, क्योंकि काफ़ी लंबा सफ़र 100 किलोमीटर का आगे का हमने तय कर लिया था। जितनी दूरी पर हम लोग शिमला आए हैं उससे आगे उतनी ही दूरी पर हमें आगे जाना है, हम लोगों को जाना है, तो हम लोगों को जाना है सरहान, तो वहाँ पर रहते हैं मेरी बहन के हस्बैंड, तो उन्हीं के पास हम लोग रुकेंगे जितना भी हो सके बच्चों को लेकर। तो रास्ते में हमें एक मार्केट मिला तो बच्चे बोले कि हिमाचल के हम लोगों को चाट और गोलगप्पे खाने हैं, लेकिन जो टेस्ट हमारी वेस्ट यूपी में मिलता है वो कहीं भी नहीं, मुझे तो ऐसा लगता है। लेकिन जहाँ पर जिन लोगों को जैसी आदत होती है रहने की उनका टेस्ट वैसा ही बन जाता है। तो बच्चों ने फिर भी खाया, बढ़िया लगे मुझे तो, लेकिन सबका अपना अपना अलग स्वाद होता है चाखने का, टेस्ट करने का, खाने का। तो सब ने गोलगप्पे खाए पेट भर कर, फिर बच्चे बोले कि हम लोग समोसा या टिक्की भी खाएंगे, तो सबके लिए टिक्की समोसा ऑर्डर कर दिया है। कई सारों ने टिक्की समोसा नहीं खाया, उन्होंने सिर्फ गोलगप्पे खाए, एक दो ने लिए डोनट। तो सबकी यहाँ पर पसंद पूछ रहे थे गुड्डू के पापा जिसे जो खाना है, क्योंकि बच्चों को बाहर लाए हैं तो उनकी पसंद का खिलाना पड़ेगा। यहाँ की चाट चिंकी को नहीं पसंद आई, फिर मैंने और गुड्डू के पापा ने खाई और गुड्डू ले गई है अपने लिए सूखा समोसा। सबकी अलग अलग पसंद है, टिक्की वाली थी, यहाँ पर छोले डालते हैं हर चाट में और ऊपर से प्याज कट करके डालते हैं, तो देखो यम्मी लग रही देखने। तो अभी पहुंच गए हम अपने डेस्टिनेशन फाइनली और बहुत अच्छा लग रहा है आके। अभी जा रहे हैं अपने गेस्ट हाउस में, हमारे लिए गेस्ट हाउस है यहाँ पे, उसमें हम आज रुकेंगे। और देखो कितना अच्छा व्यू आ रहा है यहाँ से, और हमने देखा सब ने सामान उठा लिया, कितने कितने बैग हमने ले रखे हैं, कोई कंबल पकड़ रहा है, कोई पर्स, कोई बैग। चलो चलो, और देखो यहाँ से कितना गजब व्यू आ रहा है, चलो चलो चलो। तो ये है हमारा गेस्ट हाउस जिसमें हम रुकेंगे, देखो कितना अच्छा है, एकदम ठंड मिलने की है, अंदर किचन वगैरह सब है, इसमें सेपरेट रूम, वॉशिंग मशीन, फ्रिज सब है, घर है पूरा। और चलो पूरा घर है यो, किचन वॉशरूम सब अलग अलग है, देखो पूरा घर है, वॉशिंग मशीन भी, हीटर भी, सामने हीटर है यहाँ, तो बना सके कुछ। पापा जी तो हीटर है, तो पार्टी हॉल बना देंगे इसे, तो खाना बनाना पड़ेगा। तो गाइस रात के 9 बज चुके हैं, हमारा खाना आ गया है, अभी खाना खाएंगे और फिर उसके बाद रेस्ट करेंगे, क्योंकि कल सुबह हमें बहुत सारा घूमना है, बहुत सारा एंजॉय करना है। तो अभी खाना खा के आराम करेंगे। अभी खाने में आए हैं आलू मिक्स वेज और चावल, और दाल हमारी आने लग रही है उधर, रोटी आ गई, और मौसी जी सबको अभी बच्चों को खाना लगा के देगी, बच्चे सारे इधर वाले रूम में है, ये देखो सब बच्चे यहाँ पे बैठे हुए हैं। हेलो, दाल लाए, तो सुबह के लिए ब्रेकफास्ट में हमने बनाई थी मैगी और आलू की पकौड़ी। तो यहाँ पर सबने कर लिया है नाश्ता, इसके दांत से कुछ खाया नहीं जा रहा था क्योंकि इसके दांत में और था बहुत ज़्यादा दर्द, तो यहाँ पर लास्ट में मैं रह गई थी।